सिंगरौली जिले के मोरवा शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भाजपा द्वारा 2 अक्टूबर को प्रारंभ हुई गांधी संकल्प यात्रा के तहत सांसद रीति पाठक की पदयात्रा सिंगरौली जिले के मोरवा पहुंची। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार सांसद श्रीमती रीति पाठक, सिंगरौली जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, देशवर देवसर, विधायक सुषमा वर्मा, सिंगरौली महापौर प्रेमवती खैरवार, नगर निगम अध्यक्ष चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, मंडल अध्यक्ष प्रवीण तिवारी दोपहर बल LIG चौक पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर LIG की यात्रा प्रारंभ की। ये बिल्कुल गैर राजनीतिक है जो इतिहास में और ऐसा मुझे लगता है कि सभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के दौरान आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति सुनिश्चित हो चुकी है, आप सभी जानते हैं कि हम सभी के लिए गौरव और आदर्श का एक व्यक्तित्व है। उनके माध्यम से हम सबके लिए निर्देशन किया गया कि हम अपने गाँव में क्षेत्र में देश हित के लिए, जनहित के लिए, राष्ट्र हित के लिए और आगे आने वाले भविष्य के लिए एक ऐसी यात्रा निकालें जिसमें ये संदेश हो कि प्लास्टिक से मुक्त इस देश को किया जाए, जिसमें प्लास्टिक के कारण जो भी प्रदूषण और जो भी हानिकारक बीमारियां हमारे शरीर को जन्म देती थी उससे हमें निजात मिल सके। हम संकल्प लें कि हम सब व्यक्ति पौधारोपण करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे और जिससे निश्चित रूप से आगे आने वाले समय और स्वच्छता अभियान के व्यापारिक परिसर को, स्कूल को, कॉलेज को, घर के सामने सभी को, हर वातावरण को, हर परिसर को स्वच्छ बनाते रहते हैं। ऐसे संकल्प लेकर हम इस यात्रा में चल रहे हैं। हम गांव गांव तक इस यात्रा को निकाल रहे हैं, नगर में स्तर पर इस यात्रा को निकाल रहे हैं, स्कूल में कॉलेज में जाकर हम इस संदेश को दे रहे हैं। हमारे इस दल का पूरे परिवार और पूरा परिवार का हर एक सदस्य, हर एक कार्यकर्ता इस गैर राजनीतिक यात्रा में शामिल होंगे और हम जनता से आह्वान कर रहे हैं कि इस यात्रा में शामिल हों और इस यात्रा में शामिल होकर इस संकल्प को आत्मसात करें और इस संकल्प को लेकर राष्ट्रीय